नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, गन्ने की फसल जब बोई जाती है तो 2 साल का उसमें टारगेट रखा जाता है। इसीलिए किसान साथियों, जब हम गन्ना बुआई करें बहुत शौक से, बहुत तैयारी के साथ हमें अपने खेत की बुआई करनी चाहिए। कभी भी जल्दीबाजी में गन्ने की बुआई ना करें, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कभी भी ये ना सोचे कि हमें अगर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं करना। किसान भाइयों, हमेशा जब गन्ना बुआई करें तो नीचे की जो 3 पोरियां हैं उनको छोड़ दें, उनका जर्मिनेशन बहुत कम आता है। और किसान साथियों, गन्ना बुआई से पहले खेत की जो जुताई है, तैयारी है, वो बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। हो सके तो हरी खाद की बुआई करें, उसी में ही काट के उसको डालें। मिल सके तो गोबर की खाद भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में ज़रूर डालनी चाहिए। किसान साथियों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में फिर से गन्ना बुआई चलेगी, उसकी किसान अब तैयारी कर रहे हैं। जो ज्वार के खेत है, जो चारे के खेत है, वो खाली होने के बाद किसान उसमें गन्ना ही बोएंगे, गन्ना प्लस सरसों। और किसान साथियों, चाहे हम फरवरी में भी गन्ना लगाएं, ये बहुत ही खास चीज़ें हैं। हमेशा गन्ना बुआई करते समय, क्योंकि हम 2 साल की जड़ जमा रहे हैं अपनी ज़मीन में, कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि गन्ना जब शुरू में अच्छा चलेगा, जमाव अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद हमेशा गन्ना अच्छा ही रहेगा। जो खेत शुरू में बिगड़ जाता है किसान भाइयों, जिसका जमाव अच्छा नहीं आता, वो ख़राब हो जाता है। उसमें आप फिर कितनी भी मेहनत करें, वो मज़ा, वो उत्पादन हम उससे नहीं ले सकते। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, गोबर की खाद, हरी खाद। अब किसान साथियों, इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, विधि भी बदलनी होती है, समय भी बदलना होता है। मैंने इस पर भी कई सारी वीडियो में जिक्र कराया है। किसान साथियों, गेहूँ का गन्ना बोना बंद करिए। अगर आप गेहूँ का गन्ना बोओगे, ना आप उसमें गोबर की खाद डालने का समय मिलेगा, ना उसमें हरी खाद बोने का समय मिलेगा, ना ही फसल चक्र अपना सकते कुछ भी, जरा सा भी, और ना ही 1-2 महीना आप खेत को बहा के छोड़ सकते हैं। तो किसान साथियों, उसमें आप बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। बारिशें स्टार्ट हो जाती है, गन्ना बोते हैं, उसमें घास हो जाता है, और गेहूं का गन्ना हमेशा, ज़्यादातर, मैं सबका नहीं कहूँगा, 80% गन्ना हड़का रह जाता है। इसलिए किसान साथियों, समय होना चाहिए, जब हम फरवरी में स्टार्टिंग कर देते हैं अपने गन्ने बुआई की, आप मार्च में आराम से बोइए, खेत की अच्छी जुताई करिए, उसमें खाद डालिए। किसान साथियों, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर चला दीजिए एक बार गन्ना बोने से पहले, उसमें बैक्टीरिया बहुत अच्छी मात्रा में आ जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे गन्ने को सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जो ये हरी खाद है, इनके अंदर कॉपर, आयरन, जिंक, सभी प्रकार के हार्मोन्स, ह्यूमिक एसिड, सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहते हैं। हमारी जो ज़मीन है उसको रिक्लेम कर देते हैं, दोबारा पैदावार के लिए तैयार कर देते हैं। जमीन को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा पोषण मिलता है, ज़मीन खुल जाती है और दोबारा बहुत अच्छी पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, फिर आपको ये ना ब्यात के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, ना जमाव के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ेगी। अगर ज़मीन की जुताई अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बुआई हो जाए, तरीके समय पर बुआई हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें दवाई खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान भाइयों, अब बरसात चली हुई है, जिनका गन्ना लेट बुआ है उनके लिए भी, और जिन्होंने गन्ना समय पर बो दिया था उनके लिए भी मैं एक खाद बता रहा हूँ। किसान भाइयों, हम बुआई में अच्छे खाद इस्तेमाल करते हैं, सभी किसान करते हैं, सब अपनी अच्छी फसल चाहते हैं। सभी प्रकार के लगभग इस समय तक हम खाद डाल चुके होते हैं, स्प्रे भी हम समय समय पर लगा के अब तक आ चुके हैं, गन्ना बंधाई की ओर है। अब बंधाई के बाद बहुत सारे किसान भाई बिल्कुल गन्ने को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई अब तो हमारा काम निपट गया। नहीं किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 0238 में बहुत सारे रोग हैं, इसको लास्ट तक नहीं छोड़ना। पोका बोइंग बरसात में आता रहता है, 15-20 दिन पे हो सके तो स्प्रे रिपीट करते रहिए। और मैंने करोजन, देसी करोजन के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसको भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, बहुत सारे किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वीडियो चैनल पे है। या और भी अगर आप कोई अन्य खाद दवाई चाहें तो ज़रूर डालिए। और खाद की मैं अगर बात करूं तो किसान भाइयों, अब तक सभी प्रकार के खाद हम डाल चुके हैं, लेकिन हमें गन्ने को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया,
या 2 महीने हो गए खाद बिना डाले, तो उसमें एक हल्की डोज बरसात में लगा देनी चाहिए, और ऐसा खाद जो धीरे धीरे जमीन में उतरता रहे और पौधे को समय समय पर न्यूट्रिशन देता रहे, ताकि हमारा जो गन्ना है वो बढ़ता ही रहे। किसान भाइयों, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हम खाद पहले ही 1, 2, 3 डोज डाल चुके हैं किसान साथियों, लेकिन खाली भी नहीं छोड़ना। तो 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलो पोटाश, क्योंकि पोटाश की बहुत महंगाई है, और आप अगर 25 किलो भी ले लेंगे तो भी बेहतर रिजल्ट आएंगे सिंगल सुपर फास्फेट के साथ, क्योंकि इसके अंदर सल्फर और इसके अंदर कई सारे खादों का समावेश है, तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है बरसात में। धीरे धीरे ये घुल के हमारे पौधे को न्यूट्रिशन देता रहता है, और इनके साथ आप 25 किलो यूरिया भी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना किसान भाइयों, क्योंकि पहले ही बरसात है, अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर 4 खाद आएंगे, पोटाश अलग से मिल जाएगा और यूरिया अलग से मिल जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में NPK हो जाएगा। और किसान साथियों, इसके साथ हमें कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें स्प्रे में या खाद में लगा चुके हैं, लेकिन खाली खेत नहीं छोड़ना। आप बरसात के बाद या बरसात में भी इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बहुत शानदार इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। धन्यवाद।